नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। शिफ्टिंग सीक्रेट जो आपकी जिंदगी ठीक इसी मोमेंट बदल सकते हैं, इसको समझ लो। इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रहस्य शिफ्टिंग सीक्रेट है क्या, पहले उसको समझ लो। हम एक जगह होते हैं ना, फिर दूसरी जगह से शिफ्ट करते हैं। ऐसा है ना कि आज हम इंडिया में रह रहे, कल हम यूएस में शिफ्ट कर गए, या फिर हम आज यूपी में रह रहे हैं और कल हम महाराष्ट्र में शिफ्ट कर गए। यानी यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना, जैसे हम शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमें फील होते हैं। तो जन्म से लेकर आज तक हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। वी आर इन अवर माइंड फ्रॉम अवर बर्थ। जब से हम पैदा हुए तब से अभी तक हम अपने मन में जी रहे हैं। ये एक प्रोग्राम्ड माइंड है, जिस माइंड की प्रोग्रामिंग दूसरों के द्वारा की गई, और हम इसमें रहते हैं 24 घंटे। इस कैद खाने में हमने आपको बांध कर रखा है अपने आप को। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम यूपी वाले हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं, हम अमेरिकन हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये प्रोग्रामिंग है इसकी, और हम अपने हिसाब से इस दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। हमारी जात सबसे अच्छी है, हमारा मजहब सबसे अच्छा है। ये प्रोग्रामिंग, दिस आर नथिंग, ये सब कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग ऑफ आवर माइंड जो रिकॉर्डिंग हो गई इसमें। अब हम 24 घंटे इसी में रह रहे हैं। अब इससे बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ी उलझने, बड़ी मुसीबतें पैदा हो गई। आप यकीन मानो, विचारों के जंजाल में उलझ गए, हमारा ही दम घुटने लगा। हम सब अपने मन से ही परेशान। जिसने अपने मन के इस रहस्य को समझ लिया कि मैं इस मन की कैद में बंद हूँ कई दशकों से, तो क्या करता है? समझते साथ इस कैद को तोड़कर मुक्त हो जाता है। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कैदी है, तो मुक्त कैसे होगा? मालूम ही नहीं चले कि वो कैद में है, तो मुक्ति का तो कोई उपाय ही नहीं होगा ना। पहले समझ में तो है कि हम प्रिजनर्स हैं, हम कैदी हैं, हम विचारों के वो कैदी हैं जो ये भूल ही गए कि हम कैद खाने में। ये कैद खाने धीरे धीरे पागल खाने में तब्दील हो जाते हैं जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं। तो हमें शिफ्ट कहाँ से होना है? माइंड से हार्ट में शिफ्ट होना है, माइंड से हार्ट में शिफ्ट होना है। हृदय क्या है? ईश्वर का निवास, भगवान का मंदिर। वो कहते हैं ना, दिल एक मंदिर है, हृदय में परमात्मा निवास करता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हम जैसे ही अपने मन से अपने हृदय की तरफ यात्रा करते हैं, वैसे ही हम भगवान से इंसान और इंसान से भगवान होने की जर्नी करते हैं। पहले हम भगवान से इंसान बनते हैं, फिर जब तप साधना योग संन्यास समझ के साथ हम इंसान से भगवान की तरफ यात्रा करते हैं। और ये यात्रा समझ के साथ करो तो पल भर में पूरी हो जाए। इसीलिए कबीर ने कहा ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं काशी ना काबा में, ना मैं बसू कैलाश में, खोजे खोजे तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। उन्होंने बोला पल भर में मिल जाओ, लेकिन अगर खोजी खोजे तो, और खोजी खोजे नहीं तो जीवन भर ना मिले। तो पल भर में ही मिल जाता है, बल्कि सच बात तो यह कि पल भर भी क्या लग रहा है, जो मिला ही हुआ है उसमें मिलने का क्या तरीका है। तो क्या है? माइंड से हार्ट में शिफ्ट होना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से इतना बोलो कि मैं मेरे हृदय में रहता हूँ, मैं मेरे हृदय में रहता हूँ, मैं मेरे हृदय में रहता हूँ, मैं मेरे हृदय में रहता हूँ। फीलिंग के साथ बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, तो आप अपने माइंड से हार्ट में तुरंत शिफ्ट हो जाओगे। और जिस आनंद का आप अनुभव करोगे वो आप शब्दों में नहीं बता सकते, अगर आप सचमुच इसे करने में कामयाब हो। टेक्निकें बहुत सरल और सहज हैं, तकनीकें बहुत ही आसान हैं, बशर्ते आपका लॉजिकल माइंड इसे मानने को तैयार हो जाए। लेकिन मन क्या बोलता है? अरे इतना आसान थोड़ी है, नॉट सो ईजी, बरसों तपस्या करनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना पड़ता है। देखा नहीं क्या क्या करना पड़ता है? उपवास रखने पड़ते हैं, साधनाएं करनी पड़ती हैं, हिमालय पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती है। वो सारी तपस्याएं है ही इसीलिए ताकि आप अपने मन को शून्य में साध सको। तो अगर आप बाजार में साध सकते हो तो जरूरत क्या है हिमालय पर जाने की? समझ के साथ तो कुछ भी किया जा सकता है ना।
समझ आ जाए तो गरीब की झोपड़ी में भी बच्चा पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और समझ ना आए तो दुनिया भर की लाइटें हो, बहुत अच्छे लग्जरियस इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, वहां भी पढ़कर कुछ समझ में नहीं आता और जहां की तहां गाड़ी रहती है। तो क्या करना है, माइंड से हार्ट में शिफ्ट होना है। क्या बोलना है अपने आप से, मैं मेरे हृदय में रहता हूँ, आई एम इन माई हार्ट। और आँख बंद करके बैठ जाना है और महसूस करना है कि मैं यही हूँ। आप एकदम कॉम्पैक्ट हो गए, सूक्ष्म हो गए और आप यहाँ, और बैठे रहना है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी आप बैठ सको, और आनंद में डूब जाना। फिर चलते फिरते उठते बैठते यही महसूस करो कि मैं मेरे हृदय में हूँ, और आप हैरान हो जाओगे कि जीवन बदल गया, सब कुछ तब्दील हो गया। ये बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है, आप इसे करके जरूर देखना ठीक इसी समय, और वीडियो पर कमेंट भी कर रहा, क्योंकि आपके कमेंट से लोग इंस्पायर होते हैं। लोग देखते हैं कि दूसरे को फायदा हुआ क्या, तो वो बोलता है हाँ हुआ, तब वो काम करेंगे, इसको नहीं हो तो हम क्यों करेंगे। तो जरूर करिएगा इसको, और अगर आप मेडिटेशन की और भी विधियाँ सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरी किताब है मन और ध्यान हर समस्या का समाधान। इसमें हमने 54 मेथड्स लिखे हुए हैं, इसे आप मेरे टाइटल के बगल में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से मुझसे मंगा सकते हैं। उसमें से कोई भी एक विधि मेडिटेशन की आप पढ़कर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियोस देखने के लिए अपना बेशकीमती समय देते हैं। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अभी सब कहां से सीखे, किससे सीखे, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।